हाय फ्रेंड्स, मैं स्मृति। पाव भाजी एक ऐसी रेसिपी है जो हम सब छुटकारे लेकर खाते हैं, पर घर पे वो बाजार वाला स्वाद और कलर नहीं आ पाता है। मैं आज आपसे पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही और भाजी में नेचुरल कलर का सीक्रेट बताऊंगी। हम सबको पाव भाजी बहुत पसंद होती है, पर प्रॉब्लम क्या है, जब हम बाजार जैसी घर में बनाने जाते हैं तो आधे घंटे उसे कंटिन्यू मैश करना पड़ता है टेस्ट लाने के लिए। ये रेसिपी के साथ ऐसा नहीं होगा दोस्तों। जो मैं मुंबई स्ट्रीट स्टाइल तवा वाला टेस्ट रहता है ना, आसानी से घर में इस रेसिपी से आ जाएगा, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। मेन चीज इसमें मसालों का जो फ्लेवर होता है वो निकालने का और साथ ही पाव को सॉफ्ट करने का होता है। मैं आपको दोनों चीजों की टेक्निक्स बताऊंगी। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मुंबई स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने करीब 2 टेबलस्पून ऑयल रखा हुआ है। और अब हम इसमें डालेंगे बटर, क्योंकि बटर के बिना तो पाव भाजी बनने से रही। तो क्योंकि बटर डायरेक्ट हम नहीं डाल रहे ताकि जले ना, इसलिए हम तेल का सपोर्ट ले रहे हैं। इसमें मैं करीब 4 से 5 क्यूब्स डालूंगी बटर के। और इसमें मैं अभी तड़के के लिए कोई भी मसाले यूज नहीं करूंगी। ये एक सीक्रेट है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो पाव भाजी वाले स्ट्रीट स्टाइल में मसाले डालते हैं, पाव भाजी मसाला, उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे खड़े मसाले लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सौंफ लिया है, मेथी दाने लिए हैं, थोड़ा जीरा लिया है, 2-3 लौंग लिए हैं और यहाँ पे मैंने अजवाइन लिया है। इन सबको हम इमाम दस्ते में कूट के फिर हम इसके अंदर डालेंगे। तब तक ऑयल जो है हमारी हीट हो रही है, वो अब हम इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने 2 पिंच हींग लिए, इसको भी हम डाल देंगे। और सबसे पहले हम सब्जियों में मैंने ओनियन लिया है, ये करीब 2 स्मॉल ओनियन लिया था मैंने, इसको मैंने बारीक काट लिया है। साथ ही मैंने यहाँ पे टमाटर लिया है और मैंने यहाँ पे बीन्स लिए, इसको मैंने कैप्सिकम से रिप्लेस किया है। आप अपनी चॉइस की कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। साथ ही मैंने एक हरी मिर्च ली है और चॉप किए हुए गार्लिक लिए और थोड़ी सी जिंजर ली है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे ओनियन। ये हमने अपना प्याज डाल दिया। गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम लो पे रखा हुआ है। इसमें ही हम अपनी हरी मिर्च डाल देंगे, गार्लिक भी डाल देंगे और ये जिंजर डाल देंगे। जो मैंने खड़े मसाले इसमें यूज किए उससे काफी अच्छा फ्लेवर आता है पाव भाजी में। आपको कोई दूसरा रेडीमेड पाव भाजी मसाला यूज करने की जरूरत नहीं है। प्याज हल्का सॉटे कर लेंगे हम, बस पिंकिश करने तक हमें इसको सॉटे करना है, ज्यादा हमें लाइट ब्राउन नहीं करना है। कि प्याज ऑलरेडी पिंक हो चुका है थोड़ा, इसको मैंने करीब 2 मिनट सॉटे कर लिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे बीन्स। ये मैंने काफी बारीक काटी है बीन्स को। अब जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स यूज करेंगे उतना अच्छा हेल्दी रहेगा बच्चों के लिए भी। तो आपके घर में जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं या फिर जो भी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। साथ ही हम इसमें टोमेटो डाल देंगे, ये भी मैंने चॉप करके लिया था। इसको बस हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक कर लेना है ताकि जो इसका कच्चापन है ना वो निकल जाए। यहाँ मैंने सब्जियों को करीब 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और ये करीब मैशी टाइप कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पत्ता गोभी। यहाँ मैंने करीब 2 से 3 टेबल स्पून लिया है पत्ता गोभी। अब पत्ता गोभी ना हो तो फूल गोभी भी ले सकते हैं ग्रेट करके, ये मैंने ग्रेट करके लिया हुआ है। साथ ही मैंने यहाँ पे पीस, हरी मटर और मैंने यहाँ पे कॉर्न के दानों को बॉईल कर लिया था और इसको भी मैंने मैश कर लिया है और इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ मैंने कैरेट की जगह कॉर्न लिया हुआ है, तो आप कैरेट चाहें तो आप कैरेट भी डाल सकते हैं। इसको मिला देंगे हम। और जो बॉइल्ड पोटैटो हम मसाले के बाद ऐड करेंगे इसमें, अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मसाले। इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैं यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ, इससे काफी अच्छा कलर भी आता है। अगर आप और तीखा करना चाहते हैं तो आप नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। साथ ही मैं यहाँ पे 1 टीस्पून किचन किंग पाउडर ले रही हूँ, ये ऑप्शनल, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून आमचूर पाउडर और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक। नमक का अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं और हमें इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैं कोई भी आर्टिफिशियल कलर यूज नहीं करूंगी, जो आपने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है उससे काफी अच्छा कलर आ जाएगा आपकी पाव भाजी में। अगर आप चाहे तो कलर यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैं उसको हेल्दी प्रेफर नहीं करती हूँ इसलिए मैंने कलर का यूज नहीं किया यहाँ पे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये ग्रेट किया हुआ पोटैटो लिया है मैंने 2 से 3 मीडियम साइज के, आप मैश करके भी डाल सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे हरे धनिया लिए, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है, इससे काफी अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी पाव भाजी में। तो ये भी मैंने करीब 1-2 टीस्पून लिया है। अब हमें इसको काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है सब्जियों को। इन सब्जियों को आप जितनी अच्छे से पकाएंगे उतना अच्छा आपका पाव भाजी थिक और अच्छा बनेगा, अच्छी टेस्ट का, जैसे कि स्ट्रीट स्टाइल मुंबई में मिलता है। ऐसा नहीं कि आपने सब्जियां डाली और फटाफट स्टर किया और पाव भाजी रेडी। पाव भाजी थोड़ी टाइम लगती है बनने में, जो इसकी भाजी है कम से कम आपको 15 से 20 मिनट इसको कुक करना है लो फ्लेम पे। इसमें डाल देंगे ये कस्तूरी मेथी हमने लिए, इसको मैंने थोड़ा सा रब कर लिया था। साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे पानी, यहाँ पे मैं करीब 1/2 कप पानी डालूंगी और हमें इसको काफी अच्छा स्टर देना है और अभी आपको इसे मैश भी करना है।
देखिए मैंने इसमें हाफ कप थोड़ा पानी डाल लिया है और इसको मैंने 5 मिनट अभी पकने के लिए रख देना है ढक के, ताकि ये धीमी आंच पे थोड़ा कुक हो जाए अच्छे से। इसको ढक के रख देंगे हम, 5 मिनट बाद चेक करेंगे। 5 मिनट मैंने इसको कुक कर लिया और हल्का इसमें उबाल भी आ चुका है मेरी सब्जियों में। तो वैसे तो ये सारी वेजिटेबल्स जो थी कुक थी, बस जो बीन्स और हमने ऑनियन और टोमेटो लिया था, तो बीन्स भी ऑलमोस्ट अब कुक हो चुकी है। अब मैंने जैसे कि बताया था, मैं इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर का यूज नहीं कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे बीटरूट लिया है, एक मीडियम साइज का बीटरूट लिया था। इसको मैंने एक पेस्ट बना लिया है ग्राइंड करके, इसको हम इसके अंदर डाल लेंगे। इससे काफी अच्छा कलर भी आ जाएगा और फ्लेवर भी आएगा, और ये काफी हेल्दी ऑप्शन भी है आपके लिए। तो आई सजेस्ट कि आप भी अगर पाव भाजी बना रहे हो तो कलर की जगह बीटरूट का यूज कर ले। देखिए इसको डालते ही कितना अच्छा कलर आ गया हमारी पाव भाजी में, जो बिल्कुल एक्चुअल स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी में होता है। जो भाजी बनाते हैं उनमें जो लाल कलर होता है वो पूरा आ चुका है। अब हमें इसको ऐसे ही 5 से 6 मिनट मीडियम लो फ्लेम पे कुक कर लेना है, क्योंकि जितनी अच्छी कुक होगी उतना ही अच्छा इसका स्वाद आएगा। और बाद में हम देखेंगे, इसको हमें बहुत ज्यादा थिक भी नहीं रखना है, तो बाद में जरूरत पड़ी तो हम इसमें और पानी ऐड कर लेंगे थोड़ा। तो बस इसी स्टेज पे मैं ढक के रख दूंगी मीडियम लो फ्लेम पे पकने के लिए। तो देखिए मैंने 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक कर लिया है, और देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है, और मुझे इसमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जो भाजी है वो ज्यादा गाढ़ा हो रहा है तो आप उसमें हल्का पानी डाल सकते हैं। अब आप क्या करें, एक मैशर ले लें या फिर आपके पास एक ऐसा स्पैचुला हो तो इसी की सहायता से आप इसको हल्का मैश कर लें। जैसे कि मैंने इसमें कॉर्न डाला है तो वो हल्की सी मैश होने की जरूरत है बस, तो मैं इसको मैश कर लूंगी। और अगर आप मटर और कॉर्न को बिना बॉयल किए डाल रहे हैं तो आपको इसको थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ेगा, तो आपको इसको ज्यादा मैश करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने इसको बॉयल करके लिया था तो मुझे ज्यादा मैश नहीं करना पड़ेगा। देखिए ऑलमोस्ट मैश हो चुके हैं, और ये इसकी कंसिस्टेंसी रखी है मैंने, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं किया है और बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है, इतनी थिक होनी चाहिए। तो बस ये हमारा भाजी बन के तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ के डाल देंगे। ये मैं करीब 10 से 12 ड्रॉप डाल रही हूँ इसमें। साथ में आप सर्विंग के टाइम भी इसमें नींबू चाहे तो निचोड़ के डाल सकते हैं। तो बस ये भाजी रेडी है, इसको मैं दूसरी साइड कर लेती हूँ और मैं अपनी पाव जो है वो सेक के रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक तवा रखा है। देखिए ये मैंने पाव लिया है, जो पाव भाजी का पाव होता है रेडीमेड। इसको हम क्या करेंगे, ये ऐसे आते हैं तो इसको मैं बीच से काट लूंगी। तो देखिए बीच से मैंने ऐसे काट लिया है। हाँ, जो तवा गर्म होने के लिए रखा था, अभी आपको गैस की फ्लेम को लो पे ही रखना है, क्योंकि अभी हमें इसमें बटर डाले हुआ है तो बटर आपके जले ना, इसलिए आपको गैस की फ्लेम लो पे ही रखनी है। तो ये क्या बटर, तो मुंबई में जो स्ट्रीट स्टाइल पाव भाजी बनाते हैं ना, उनका ये सीक्रेट होता है पाव का, जो पाव होती है बहुत ही टेस्टी होती है भाजी के साथ साथ, तो वो इस पे धनिया डाल देते हैं बटर डालने के बाद, और थोड़ी सी इसके ऊपर ये जो हमने भाजी तैयार की थी ना वो डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इससे क्या होता है कि पाव में ऑलरेडी भाजी का फ्लेवर आ गया होता है जो हमने भाजी बनाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने पाव लिया था इन सबको डाल के इसके ऊपर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। बस हमें सबको डाल के टोस्ट कर लेना है, कुछ ज्यादा भी टोस्ट नहीं करना है हमें, बस हल्का। देखिए कितना अच्छा इसे ये स्टिक हो गया है, तो बस इतने ही डाल के मैं इसको टोस्ट कर लूंगी। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको चारों तरफ फैला के टोस्ट कर लिया है, दूसरी तरफ से भी हम इसको पलट देंगे, और ये लगभग रेडी है। इसको हम ऑफ कर देते हैं और अब हम अपनी पाव भाजी सर्व कर लेते हैं। तो हमारी ये लाजवाब पाव भाजी की रेसिपी रेडी हो गई। देखा आपने कितनी आसानी से फटाफट तैयार है, बिल्कुल वही मुंबई स्ट्रीट स्टाइल स्वाद है हमारी भाजी में। बस आप भी 2-3 बातों का ध्यान रखना, मैश करने में ज्यादा मेहनत ना करें, सब्जियों को पहले से बॉईल कर लें, इससे आपका टाइम बचेगा। और नेचुरल कलर लाने के लिए आप चुकंदर यानी बीटरूट या कैरेट का यूज कर लें, तो बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा और हेल्दी भी है। तो आप भी बनाए खाएं, सबको मजे से खिलाएं। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर करना ना भूले। हमारे पेज इंडिया का तड़का पे नए हैं तो पेज को फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।